तो दोस्तों आपके पास भी एक कोई सा भी Redmi का मोबाइल दोस्तों, और आपके फोन में दोस्तों बच्चा लोग लॉक लगा दिया है, या दोस्तों आप लॉक भूल चुके दोस्तों और उस लॉक को आपको तोड़ना हो। अब दोस्तों हो सकता है आपके फोन में पासवर्ड हो या फिर 1 2 3 4 हो, या दोस्तों हो सकता है पैटर्न लॉक हो। सभी लॉक आपको खोलना बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, बने रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे फोन में मेरा जो भगना है छोटा वाला, वो लॉक चेंज कर दिया दोस्तों, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा और उसे भी पता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे कि आप अपने मोबाइल का लॉक कैसे हटा सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो दोस्तों, वो भी अपने घर पे ही। तो दोस्तों लॉक तोड़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले कई लोग पूछते हैं दोस्तों कि लॉक तोड़ने के बाद क्या मेरा फोटो वीडियो नंबर सारा डाटा रहेगा या फिर डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब है, अगर आप लॉक तोड़ोगे जैसे मैं तोड़ूंगा इस तरह से, तो आपका जितना भी फोटो वीडियो नंबर व्हाट्सएप फेसबुक जो भी सब कुछ डाटा होगा दोस्तों, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नया की तरह फोन हो जाएगा दोस्तों, पहले वाला कोई भी चीज नहीं बचेगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी चीज, जरूरी चीज आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप ऐसा डिलीट ना करें, मतलब इस तरह से लॉक ना तोड़े, नहीं तो आपका पहले ही सब बता दे रहे हैं, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नया तरह से आपको फोन जैसे मिलता है कंपनी से, उस तरह का फोन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लॉक कैसे तोड़ना है। दोस्तों लॉक तोड़ने के लिए आपके मोबाइल में बैटरी भी यहाँ पे कम से कम 30-40% चार्ज होना चाहिए दोस्तों। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो 66% चार्ज है। अब दोस्तों सबसे पहले इसको लॉक कर लेना है, मतलब स्विच ऑफ कर लेना है अपने मोबाइल को। तो कोई सा भी मोबाइल होगा दोस्तों, कोई भी यहाँ पे मॉडल हो सकता है आपके फोन में, बस Redmi का होना चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए दोस्तों। पावर ऑफ स्विच ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, आप सबके भी फोन में यहाँ पे 3 बटन होगा दोस्तों, एक वॉल्यूम अप बटन, एक वॉल्यूम डाउन बटन और एक पावर बटन, मतलब आवाज ज्यादा करने वाला बटन, आवाज कम करने वाला बटन और ये स्विच ऑन ऑफ करने वाला बटन। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा करने क्या वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों आपको जो आवाज ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम अप बटन को पहले से दबा लेना है इस उंगली से। अब दोस्तों इसको दबा लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो हम दबा चुके हैं। अब दूसरा उंगली से दोस्तों आपको ये पावर बटन को दबाना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देर तक इस तरह से दोनों बटन को दबाए रखना है। अब दोस्तों जैसे ही Redmi का लोगो यहाँ पे आएगा, आपको पावर बटन से उंगली हटा लेना है दोस्तों, लेकिन वॉल्यूम बटन को दबाए ही रखना है, वॉल्यूम बटन से नहीं हटाना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम लग सकता है, 1 से 2 मिनट भी लगता है, या फिर ज्यादातर 10-20 सेकंड में हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जैसे ही Redmi का लोगो आया, हमने पावर बटन से हाथ हटा लिया, लेकिन आप देख सकते हो हमने यहाँ पे वॉल्यूम बटन को दबाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेन मेन्यू ओपन हो चुका है, तो पूरा बटन को छोड़ देना है। अब दोस्तों हो सकता है यहाँ आपके फोन में नो कमांड का एक ऑप्शन आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों सभी के फोन में एक जैसा सेटिंग नहीं होता, तो बहुत सारे फोन में यहाँ पे नो कमांड का ऑप्शन आया होगा। तो दोस्तों अगर आपके फोन में नो कमांड आया है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर नो कमांड आया है तो बता रहा हूँ, अगर इस तरह से मेन मेन्यू आया है तो आप रुकिएगा दोस्तों। अगर आपके फोन में नो कमांड आया है, तो यहाँ पे पहले आपको ये पावर बटन और तुरंत से ये वॉल्यूम अप बटन दबाना है, मतलब पहले पावर बटन को दबा लेना है, फिर 1 सेकंड बाद तुरंत वॉल्यूम अप बटन को दबा देना है। ऐसा करने पे दोस्तों आपका यहाँ पे एक अलग ऑप्शन खुलेगा, जो कि हो सकता है मेन मेन्यू खुले या फिर रीसेट करने का ऑप्शन आ जाए। अगर इस तरह से आप नहीं कर पाते दोस्तों, या फिर एक दो बार मोबाइल रीस्टार्ट भी हो सकता है, तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो। या फिर दोस्तों अगर इस तरह से आपके फोन में कुछ भी नहीं हो रहा 2-3 बार करने के बाद भी, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आने के बाद, नो कमांड आने के बाद, आपको पावर बटन और ये वॉल्यूम का अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके छोड़ देना है दोस्तों। जैसे ही मतलब एक बार दबाना है और तुरंत से छोड़ देना है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं आता दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका डिटेल में आपको बता देंगे। तो मेरे फोन में देखिए यहाँ पे नो मेन मेन्यू आ चुका है। अब दोस्तों जिनका भी मेन मेन्यू आया है, आपको दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे अप या डाउन कोई भी बटन से इसको नीचे लाना है वाइप डाटा में। दोस्तों वाइप डाटा ही ऐसा है जिससे आपका पूरा मोबाइल पूरा रीसेट हो जाता है। तो वाइप डाटा में लाने के बाद दोस्तों आपको पावर बटन को एक बार दबा देना है, सिंपल सा। अब दोस्तों फिर से ये पूछ रहा है वाइप डाटा करना है या बैक करना है, तो हमें तो वाइप डाटा ही करना है दोस्तों, तो इसमें वाइप डाटा में ही रहने देना है ब्लू वाले को, और यहाँ से पावर बटन को दबा देना है। फिर से दोस्तों कंफर्मेशन के लिए फिर से पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं।
अब यहाँ पे फिर से पावर बटन को दबा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मोबाइल मेरा रीसेट होने लगा। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम भी लग जाए। देखिए यहाँ पे वाइप डाटा सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे बैक टू मेन मेनू का ऑप्शन है, यहाँ पे एक बार पावर बटन को क्लिक कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरे फोन में यहाँ पे वाइप डाटा हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको रिबूट पे जाना है दोस्तों। रिबूट पे यहाँ पे पावर बटन दबा देना है, फिर से रिबूट सिस्टम नाउ कर देना है दोस्तों पावर बटन दबाकर। दोस्तों अब मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब मोबाइल मेरा ऑन हो रहा है दोस्तों। इसमें हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट भी समय लग सकता है दोस्तों, वो आपके मोबाइल के यहाँ पे लोड के अनुसार जो भी मोबाइल में भरा हुआ रहता है उसके अनुसार टाइम लेता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे वेट कर लेना है, घबराना नहीं है दोस्तों। अगर मोबाइल आपका डाउन है तो आप चार्ज में लगाकर छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर देंगे या फिर काट देंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलिए इसको पूरा ऑन हो देते हैं, मिलते हैं इसके पूरा बाद। तो मोबाइल मेरा हो चुका है ऑन दोस्तों, और काफी टाइम यहाँ पे लग चुका है इसको ऑन होने में। चलिए अब यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश पे रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, आपका अलग फोन होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो अपने दिमाग से आप देख लेना दोस्तों। यहाँ पे आपको यहाँ पे रीजन इंडिया ही रहने देना अगर आप इंडिया से हो तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे बॉक्स को यहाँ पे चेक करके यहाँ पे आगे बढ़ना है दोस्तों। इस तरह से आगे बढ़ने के बाद दोस्तों जहां पे आपको स्किप का ऑप्शन मिले आप स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे में पहले से कोई भी ईमेल आईडी नहीं है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मेरा फोन यहाँ पे आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। अगर आपके फोन में पहले से ईमेल आईडी होगा, प्ले स्टोर में डाला हुआ होगा, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पे आपका वही वाला ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और वही वाला पासवर्ड भी डालना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख लेना आपके फोन में ईमेल आईडी है या मांग रहा है या फिर नहीं। अगर दोस्तों मांग रहा है और आप अपने मोबाइल का ईमेल आईडी या पासवर्ड भूल चुके हो तो दोस्तों आप फॉरगॉट भी कर सकते हो, वहीं पे नीचे में ऑप्शन रहता है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं है दोस्तों, फॉरगॉट भी नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो आपको दोस्तों हर मोबाइल का अलग अलग FRP बाईपास होता है, तो आपको यूट्यूब पे ही जाना है, अपने मोबाइल का मॉडल लिखना है और दोस्तों FRP बाईपास लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने बहुत सारा वीडियो आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी मांग रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का वीडियो आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब प्रोसेस करने में, तो इसको होने देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरा यहाँ पे नेट से दिक्कत हो सकता है दोस्तों, अगर आपका भी इस तरह से ज्यादा टाइम ले ले यहाँ पे तो वाईफाई से कनेक्ट करके आप चला सकते हो। देखिए मेरा हो चुका है। चलिए यहाँ पे डोंट कॉपी करना है आप लोगों को। अब आगे यहाँ पे घूम रहा है फिर से, अब यहाँ पे चेक इन इन्फो आ गया है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन आप अलग अलग फोन की तरह आता है, आपका फोन दूसरा होगा तो कुछ अलग आ रहा होगा, तो आप अपने दिमाग से यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों। अभी देख सकते हो इसी तरह से मिलता जुलता आपको रिलेटेड आएगा। यहाँ पे जितना फास्ट आपका इंटरनेट होगा दोस्तों उतना जल्दी हो जाएगा। मेरे में देखिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करेंगे या फिर काट देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में स्किप का ऑप्शन आ गया दोस्तों, जहाँ पे ईमेल आईडी मांगता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्किप नहीं आता क्योंकि उन लोगों के फोन में पहले से ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होता है, तो दोस्तों आपको वही ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फॉरगॉट कर लीजिए या फिर FRP बाईपास कर लीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं, मेरा तो स्किप आ चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ गए, अब यहाँ पे ऊपर करना है, एक्सेप्ट में जाना है। जैसे ही एक्सेप्ट में जाओगे फिर से यहाँ पे अब ये सब डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरा बात है, ये रेडमी में प्रॉब्लम आता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए यहाँ पे ओके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनल हो रहा है, यहाँ पे पूरा अब मेरा फोन ऑन हो जाएगा। जैसा कि देखिए ये लास्ट है, मैंने लास्ट है पूरा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉक के लिए पूछ रहा है, ये सब बाद में कर लेंगे, यहाँ पे स्किप कर लेना है। जहां जहां स्किप मिले बस स्किप करते जाना है दोस्तों। यहाँ पे एग्री कर लेते हैं। अब मेरा देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिक रहने देते हैं। यहाँ पे सेटअप कंप्लीट, यहाँ पे एप्स लोडिंग होने लगा दोस्तों। मेरा मोबाइल यहाँ पे लगभग 99% यहाँ पे सक्सेस हो चुका है दोस्तों। चलिए यहाँ पे पूरा ऑन होने ही देते हैं, थोड़ा सा और रुक ही जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपका काम बन रहा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से जिला से हैं, मतलब कौन से स्टेट से और कौन से जिला से हैं, ताकि पता चले कि मेरा वीडियो कहां कहां पहुंच रहा है।
दोस्तों देखिए फिर से यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड आ चुका है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बहुत सारा यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों देख सकते हैं पूरा वेरीफाई हो चुका है, मेरा मोबाइल अनलॉक हो गया दोस्तों, जो कि मेरा भगना यहाँ पे लॉक लगा दिया था। अभी आप देख सकते हो मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेरा ऑन हो चुका है, मेरा फोन यहाँ पे अनलॉक हो गया दोस्तों। अब पासवर्ड भी मांगेगा ही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों रेडमी में एक और प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे इस तरह से डोंट कवर द ईयरफोन एरिया, दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मेरे चैनल में इसका भी वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हो जाकर।